जैसे कि सैमसंग की S23 सीरीज होगी, S22 सीरीज हो गई, ओप्पो की जो फाइंड एक्स की सीरीज हो गई, और जो यहाँ पर वन प्लस के जो यहाँ पर 10 सीरीज हो गई, 9 सीरीज हो गई, इनके अंदर आप लोगों को यहाँ पर कुछ अपडेट है वो जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं। सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 14 के अपडेट के बारे में। बहुत सारी ब्रांड के अंदर एंड्रॉइड 13 का भी जो अपडेट है ना, वो अभी यहाँ पर रोल आउट करना स्टार्ट भी नहीं किया है, जैसे कि शाओमी और कुछ ऐसी ब्रांड है जिनकी ओर से एंड्रॉइड 13 का अपडेट है ना वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सभी डिवाइस के अंदर जो अपडेट है वो आ चुका है, जैसे कि सैमसंग और वन प्लस के जो कुछ डिवाइस है वहाँ पर अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। 3 डिवाइस है उनके अंदर अपडेट आना बाकी है, बाकी सभी डिवाइस के अंदर अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर गूगल की तरफ से बहुत ही जल्दी आपको एंड्रॉइड 14 का डेवलपर प्रीव्यू है ना वहाँ पर जल्दी ही देखने को मिलेगा। सो कौन से मंथ के अंदर यहाँ पर ये जो अपडेट है वो रिलीज किया जाएगा, क्या आप लोग इस अपडेट को इंस्टॉल कर पाओगे, और अपडेट के अंदर कौन कौन से चेंजेस हैं वहाँ पर किए जाएंगे। सो इसके कुछ लीक्स है ना वो सामने निकल के आ रहे हैं, तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन है वहाँ पर यूज करते हो, कंप्लीट वीडियो को देखना। वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में भी इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। सो अभी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड्रॉइड 14 के कुछ यहाँ पर लीक्स के बारे में। तो गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे एंड्रॉइड 14 का जो अपडेट है वो यहाँ पर होने वाला है, उसके ऊपर आप लोग अपनी जो कस्टम लॉक स्क्रीन है उसको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज कर पाओगे। अभी आपको इतने ऑप्शन है वहाँ पर अवेलेबल देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को एंड्रॉइड 14 का जो अपडेट है ना उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी कस्टमाइजेशन के ऊपर, जैसे कि जो यहाँ पर क्लॉक है उसके आप लोगों को अलग अलग स्टाइल मिल जाएगी। इनके अंदर आप लोग कलर है उनको चेंज कर पाओगे, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये कुछ आइकन है, और ये जो टाइमिंग का जो आप लोगों को लेआउट मिलता है उसको आप लोग यहाँ पर चेंज कर पाओगे। फिंगरप्रिंट आपको एनिमेशन मिल जाता है, और जो आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो ये कुछ लीक्स है ना वो सामने निकल के आ रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे काफी ज्यादा यहाँ पर ये अच्छे लग रहे हैं। तो ये जो डिवाइस है ना वो गूगल पिक्सल का डिवाइस है, इसके अंदर ये जो लेआउट है वो अभी यहाँ पर आ चुका है। तो ये कुछ जो चेंजेस है ना वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं एंड्रॉइड 14 के अपडेट के अंदर। कस्टमाइजेशन के ऊपर पूरा OS है ना वो आप लोगों को मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फॉन्ट की स्टाइल है उसको आप लोग चेंज कर पाओगे, कलर प्लेट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, और नीचे भी आप लोगों को कुछ यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सो ये जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ फेब्रवरी का मंथ है उसके अंदर आने वाला है। इसको आप लोग अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट प्रीव्यू है ना वो कुछ यहाँ पर डेवलपर यूजर्स है उन्हीं के लिए रिलीज किया जाएगा। हमारे जैसे जो नॉर्मल यूजर है उनके लिए आप लोगों को जो अपडेट है वो थोड़ा लेट देखने को मिलेगा। लेट से आप लोग समझ सकते हो अप्रैल का जो मंथ है ना उसके मंथ के अंदर आप लोग अपने डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 14 का बीटा अपडेट है उसको इंस्टॉल कर पाओगे। सो इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज है वो सामने निकल के आएगी। सो इसकी आप लोगों को वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सो वीडियो को आपको लाइक कर लेना है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो गाइज यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपके साथ में शेयर करनी थी। आप बहुत सारे Xiaomi यूजर्स के मेरे पास कमेंट आएंगे कि हमारे डिवाइस के अंदर तो अभी एंड्रॉइड 13 का भी अपडेट नहीं मिला है, सो एंड्रॉइड 14 का अपडेट है वो तो पर कैसे मिलेगा। तो सभी डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूं, एक दो Xiaomi का डिवाइस है जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड 14 का अपडेट है वो यहां पर मिल सकता है। तो गाइस मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।